750 करोड़ की फिल्म। जी हाँ, ठीक सुना आपने, 750 करोड़ की फिल्म। और फिल्म में दो बड़े सुपरस्टार रणबीर कपूर और ऋतिक रोशन, ये दोनों कितने करोड़ लेंगे? अब भैया, जब फिल्म 750 करोड़ में बन रही है तो इनकी भी तो चांदी होगी ना। पहले फिल्म जान लीजिए, फिल्म है रामायण, जो 3D में बन रही है और इसे बना रहे हैं नितेश तिवारी। कहा जा रहा है कि भैया रामायण इतने बड़े लेवल पर पहले कभी बनी ही नहीं, जितने बड़े स्केल पर नितेश तिवारी बनाने जा रहे हैं। भाई वैसे भी ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर जब एक साथ आएंगे तो फिल्म का स्केल तो अपने आप बड़ा हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि ये दोनों कितने पैसे लेने वाले हैं। भाई जब फिल्म ही 750 करोड़ की होगी तो ये दोनों भी मोटी फीस वसूलेंगे। और खबर ये है कि रणबीर कपूर और ऋतिक रोशन दोनों ही इस फिल्म के लिए 75-75 करोड़ रुपए लेने वाले हैं। जी हाँ, 75 करोड़ रुपए ऋतिक रोशन को मिलेंगे और 75 करोड़ रुपए रणबीर कपूर को मिलेंगे। कहा जा रहा है कि रणबीर कपूर फिल्म में प्रभु श्री राम के रोल में दिखेंगे और ऋतिक रोशन रावण बनेंगे। अब ये कॉम्बिनेशन सुनने में ही इतना एक्साइटिंग लग रहा है। वैसे खबर ये भी थी कि करीना कपूर सीता बन सकती हैं, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक करीना कपूर इस फिल्म का हिस्सा है ही नहीं। लेकिन अब सीता कौन बनेगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन रणबीर कपूर राम बनेंगे और ऋतिक रोशन रावण बनेंगे, ये खबर सूत्र जरूर बता रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि भैया इससे पहले इतनी बड़ी फिल्म कभी बनी ही नहीं, मतलब 750 करोड़ की फिल्म। सुनकर ही ऐसा लग रहा है कि भैया इतना पैसा कहाँ लगाओगे, अब 75-75 करोड़ दोनों हीरो ले गए, मतलब 150 करोड़ तो आपके हीरो ले गए, बचे 600 करोड़। जाहिर है 50 करोड़ आप हीरोइन को भी दे देंगे, मतलब कहने की बात है हीरोइन को वैसे 10-12 करोड़ से ज्यादा मिलते नहीं है, लेकिन लगभग 550 करोड़ अगर जिस फिल्म के प्रोडक्शन पे खर्च होगा तो सोच लीजिए वो फिल्म कितने ग्रैंड स्केल पे बनेगी। भाई अभी तो खबरें आ रही हैं, जब बनेगी तब देखेंगे। बाकी नितेश तिवारी अच्छी फिल्में बनाने में एक्सपर्ट तो माने ही जाते हैं, दंगल देखी है ना। तो रणबीर और ऋतिक की रामायण के लिए कितने एक्साइटेड हैं आप, बताइएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। बाकी बॉलीवुड से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। ABP News, आपको रखे आगे।